तो हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। इस बार मामला अंबाला कैंट कांग्रेस भवन से जुड़ा हुआ है, जहां भवन पर ताले को लेकर शैलजा और हुड्डा गुट में विवाद देखने को मिल रहा है। शैलजा गुट का कहना है कि बिना जानकारी के कांग्रेस भवन पर ताले लगाए गए हैं, जबकि ऑफिस इंचार्ज हुड्डा गुट से हैं, जिन्होंने रिनोवेशन के चलते दफ्तर पर ताला लगाने की बात कही। शैलजा गुट के कांग्रेस नेता परविंदर परी ने दरअसल कहा है कि दफ्तर पर ताला उनके बिना जानकारी के लगाया गया है। दफ्तर में एक दरवाजा लगा दिया गया है, इसकी शिकायत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी की जाएगी। वही मामला बढ़ता दिखा तो फिर दफ्तर इंचार्ज सुरेश त्रहन मौके पर पहुंचे और दफ्तर से ताला खुलवाया गया। उन्होंने कहा कि दफ्तर की जिम्मेदारी उनके पास है, रिनोवेशन के चलते ताला लगाया गया है, यहाँ हुड्डा वर्सेज शैलजा वाली कोई भी बात नहीं है। तो एक तरफ कांग्रेस दफ्तर अंबाला कैंट में कांग्रेस दफ्तर में ताला लगा मिला, कहा जा रहा है रिनोवेशन के लिए यह दफ्तर जो है वो बंद किया गया था। आके हमें पता लगा कि एक दो दिन से यहाँ पर एक नया दरवाजा भी लगा दिया गया है और दरवाजा को लॉक कर दिया गया है, तो ये देख के बड़ी सबको ठेस पहुंची। हम सभी कांग्रेसी यहाँ खड़े हैं और हमको बहुत ठेस पहुंची, तो सब ने फिर एक ज्वाइंट निर्णय लिया कि हम अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं, स्टेट के अध्यक्ष हैं माननीय उदय पान जी को, उनको एक हम पत्र लिखेंगे, पत्र के माध्यम से उनको एक जानकारी देंगे कि आज हम कांग्रेसी जो हैं, जिन्होंने जब से कांग्रेस भवन बना है तब से कांग्रेस दफ्तर में ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हमें देखने को मिला कि कांग्रेस ऑफिस में ही ताले लगा दिए गए हैं। ऐसा है कि क्योंकि चुनाव सिर पर हैं, उस सारे मद्देनज़र रेनोवेशन चल रही है और एक चाबी मेरे पास है, एक चाय वाले के पास है, अभी मैं उसको आवाज जरा बुलाने से उसमें चाबी उसके पास है, और क्योंकि काफ़ी हालत है एकदम से अनाउंस हो जाएगा, तो रेनोवेशन है अभी अंदर सामान मैं बंद कर कर गया हूँ, अभी मंगवाता हूँ चाबी। और क्योंकि ये हमने दरवाज़ा लगाया इसलिए कि कल को पीसी करनी हो, तो ये कमरा पीसी के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर हॉल खुला रहा और ये भी खुला रहा तो पीसी नहीं हो पाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुना कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय को लेकर, ये अंबाला कैंट में कांग्रेस कार्यालय है और उसको लेकर किस तरीके की या तो कंफ्यूजन क्रिएट हुई या कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट की गई। एक तरफ जो दफ्तर इंचार्ज है सुरेश त्रहन, उनका कहना है कि ये रिनोवेशन के लिए दरअसल इस पे ताला लगाया गया था और काम चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेता परविंदर परी ने कहा कि दफ्तर पर ताला उनके बिना जानकारी के लगाया गया। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश रोड जी, चुनावी साल है, चुनाव सर पर है, ऐसे में छोटी छोटी खबरें भी बहुत बड़ी बन जाती है। अब अंबाला में देखिए ये मामला सामने आया, कांग्रेस कार्यालय में ताला लगा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि कोई जानकारी नहीं दी गई है यहाँ पर। देखिए कई बार गलतफहमी ऐसे पैदा हो जाती है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है और आम जो नागरिक है अंबाला शहर के, अंबाला कैंट के, कोई भी कांग्रेस कार्यालय में जा सकता है और जो हमारे वहाँ पर चाहे वो किस में इंचार्ज बैठे हों या फिर पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग बैठे हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो कांग्रेस कार्यालय जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए, और वो आपने अभी खबर में भी दोहराया वहाँ पर कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये आपके दफ्तर इंचार्ज का कहना है, ये आपके दफ्तर इंचार्ज का कहना है। वही ना जी, वो देखो दफ्तर इंचार्ज को ज्यादा पता होता है, अगर कोई दफ्तर का इंचार्ज है, हम भी बाहर हैं, मैं तो क्षेत्र से हूँ, तो आप भी चंडीगढ़ में बैठे हैं, जो ऑफिस इंचार्ज ने कहा कि रेनोवेशन के चलते उसमें इसमें सरिया सामान भी कंस्ट्रक्शन का पड़ा होता है, और आजकल लाइन दोदर और कहीं भी लोगों के घरों में ताले तोड़कर चोर चोरियां कर रहे हैं, तो ऐसे में दफ्तर को खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता होगा। जो इंचार्ज की बात से पार्टी सहमत है, रेनोवेशन का अगर काम चल रहा है तो उस सामान की सुरक्षा के लिए कई बार ताला लगाया जाता है, वैसे तो कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, ताले का कोई मतलब नहीं होता, तो इसमें रेनोवेशन के लिए है। इस बात को राजनीतिक रंग कई बार कुछ लोग विरोधी पार्टियां दे देती हैं, तो नहीं इस बार तो विरोधी पार्टी नहीं, आप ही के पार्टी के नेता द्वारा कहा जा रहा है कि कम से कम इसकी जानकारी तो दी जानी थी। हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। अब बाल मुकुंद जी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं नहीं देखिए ये कोई अखबार में निकलवाने की थोड़ी होती है कि भाई नहीं अगर ये मामला सामने आया, आप ही के पार्टी के नेता द्वारा इस तरीके की बात की जा रही है कि जानकारी नहीं दी गई है, तो सवाल तो हम पूछेंगे ना यहाँ पर। अब ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। बाल मुकुंद जी, क्योंकि खबर यहाँ पर आई पार्टी कार्यालय में ताला लगा हुआ है, बाल
दी जा रही है कि वो रिनोवेशन वहां पर हो रहा है, लेकिन आप ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कम से कम जानकारी तो दी जाए, चुनाव सर पर है, 10 काम होने हैं वहां पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होनी है तो ताला अभी क्यों लगा दिया, कोई जानकारी तो दी जाए, सवाल क्यों नहीं उठेंगे फिर? देखिए मैं समझता हूँ पुख्ता जानकारी आपके पास नहीं है, अभी हमारा इस तरह का पूरे हरियाणा में कोई कार्यक्रम नहीं है, अभी हमने टिकट डिक्लेयर नहीं की है, जब हम टिकट डिक्लेयर करेंगे पर तो मंथन हो रहा है ना सर, बाल भूकुंद जी को तो हमें पता है पर मंथन हो रहा है, लेकिन आपके पार्टी के नेता वहाँ पहुँचते हैं वो खुद कहते हैं हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं दी गई, ताला क्यों लगा दिया गया, कहाँ जाएगा पार्टी कार्यकर्ता? नेताओं को दिल्ली रहने की राय दी गई है, हरियाणा में अभी इस तरह का कोई कार्यक्रम किसी भी सत्र पर हमारा नहीं है, और ये बिल्कुल पार्टी अपने तरीके पे तय करेगी, जब हम टिकट आवंटन कर देंगे तो कैंडिडेट इलाके में जाएंगे, कैंडिडेट अपना काम करेंगे, ऑफिसों में ही रहेंगे हमारे, इसके साथ साथ और भी बहुत ऑफिस खोलेंगे हम अलग से। मुद्दा ये है कि कांग्रेस की जो हवा है इस टाइम आंधी आई हुई है, भाजपा को डर लग रहा है, तो वो भाजपा के लोग अनाथ शनाथ चीजें इधर उधर भटकाएंगे, ध्यान भटकाने की प्रक्रिया है, कोई बात नहीं, ये अंदरूनी मामला आपसी बैठ के सुलझ जाएगी, बातें इस तरह की बात ही नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक आम जैसे कैसे चलते रस्ते चलते हम किसी तरह की कोई बात करते थे, वो अभी इस तरीके की जब बातें होती है तभी तो गुटबाजी की बातों को हवा मिल जाती है, तभी तो कहा जाता है, और इसे अब कहा जा रहा है कि गुटबाजी है ये, इस तरीके से कार्यालय बंद हो जाते हैं, ताला लग जाता है तो फिर बताते नहीं है, जानकारी नहीं देते हैं, आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं परमिंदर परी जब वो वहाँ पहुंचे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ताला लगा हुआ है? कल रामविलास शर्मा जी स्टेज पर रोने लगे कि पेड़ हमने लगाए और अमरूद कोई और खा रहा है, ये कहीं खबर नहीं चली, कल रामविलास शर्मा जी ऑन रिकॉर्ड में कह रहे मंच पर रोने लगे कि ये भाजपा रूपी पेड़ हमने लगाया और अमरूद कोई और खा रहा है, ये खबर नहीं बनी। वो बुजुर्ग आदमी जिसने 40 साल अपनी जिंदगी 50 साल भाजपा को दी है, वो दर दर की ठोकरे खा रहा स्टेज पर, उसको टाइम नहीं दिया जा रहा, उसने ऑन रिकॉर्ड रो के कहा है कि मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा और ये पेड़ मैंने लगाया सर अमरूद कोई और खा रहा है, ये होनी चाहिए चर्चा। वो तो हमारी बिल्डिंग है, हम मालिक हैं, मैंने ताला खोलिया या सुरेश रोड ने खोलिया क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें सुरेश रोड भी बैठेगा जाकर के बाल मुकुंद शर्मा भी बैठेगा, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो हम दोनों मालिक हैं, सुरेश रोड आपके सामने बैठे हैं वो भी मालिक है मैं भी मालिक हूँ, ये सुरेश चला जाए मैं चला जाऊँ वो हमारी बिल्डिंग है, उसमें तो ऐसी बात थोड़ी नहीं, वो हमारा ही घर है, सुरेश का भी घर है मेरा भी घर है, वो फर्क है, एक ताला के तीन चाबी होती है, हमने एक चाबी सुरेश के पास होगी, एक चाबी मेरे पास होगी, एक चाबी हमारे अध्यक्ष के पास भी होगी, हजार साल तो थे 10 चाबी लगवा लो जब ठीक है, इतनी सारी चाबी एक ताले की तब तो कंफ्यूजन ज्यादा ही होगी सुरेश रोड जी, नहीं, एक ताले की इतनी चाबी कंफ्यूजन तो होगी ना फिर, मेरी बात पूरी होने दो जी, वो कंफ्यूजन बीजेपी को सकता, उनके ताला के चाबी लगती है जेजेपी की और हमारे ताला के चाबी लगती है हमारी बनवाई हुई, ये फर्क है, वो बीजेपी का जो ताला है वो चाबी लगती है जेजेपी वाली, कांग्रेस तो आजादी से लकड़ी पार्टी है, उसको तो किसी चीज का भय ही नहीं, तो हमने तो जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने तो जितना इतिहास आजादी के बाद का उतना आजादी से पहले का है, हमने तो इस देश को खुशहाली दी है, हमने तो बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना बाकी है, हमें नहीं किसी चीजों का फर्क पड़ता, हम तो बहुत शहीद हुए हैं ना जी, हमने तो बलिदान दिया है, चाबियां तो कांग्रेस के पास भी बहुत इकट्ठी हो गई है, बहुत दलों की अब गठबंधन है, कितनी चाबी तो आप लोगों को भी बताना पड़ेगा, हम बलिदान देने वाले लोग हैं, हमारा राज में आए ना आए ये हमारा मैथड नहीं है, जब देश आजाद नहीं हुआ था हम तो उससे पहले आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमें यूं थोड़ा था कि देश आजाद होगा हम मंत्री बनेंगे, बीजेपी तो कहती है कांग्रेस के अंदर खाली इतनी लड़ाइयां चल रही है, वो क्या दूसरी लड़ाइयों को देखेंगे, हमारा जो है ना हमारा खून में बचा हुआ बलिदान, हम बलिदान देते हैं, बलिदान हमारे खून में, राज करना, राज के लिए झूठ बोलना, धर्म जाति लड़ाई करवाना, भेदभाव करना, ये हमारे खून में नहीं, लड़ना हमारे खून में है, यह बलिदान देना, ठीक है बाल मुकुंद जी, ठीक है सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश रोड जी अब सवाल तो यहाँ पर ये है कि देखिए आपने कहा बाल मुकुंद जी ने कहा कि चाबियां बहुत है हमारे पास, ताला चाहे होने दो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह की खबरें आती है तो सवाल पूछने यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कम से कम जानकारी तो दी जानी थी, तभी तो ये हम मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आखिर चल क्या रहा है? नहीं आप अपने विवेक से समझिए, आप एक पत्रकार हो, सोच करो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और वो उसने ब्रेक ले लिया, और जो व्यक्ति गाड़ी में नहीं बैठा होता इसने ब्रेक क्यों लिया, वो तो उसने देखना है ना जो गाड़ी चला रहा है, जब एक इंचार्ज ने बात बता दी कि वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, उस मान के सुरक्षा के लिए अगर उन्होंने लॉक कर दिया वो अखबार में थोड़ी निकलवाएगा कि आज हम लॉक कर रहे हैं, तो ये नेशनल हॉलीडे थोड़ी तो ना होगी, वहां पर कोई छुट्टी होगी, आज कोई दफ्तर में नहीं आएगा,
कोई अगर अपनी जिसकी ड्यूटी है वहाँ पर, इसमें इंचार्ज आपके ही हवाले से हमें पता लगे, इंचार्ज ने कहा कि रहने व्यक्ति चल रहा था उस मान की स्ट्रक्चर के लिए लॉक कर दिया गया होगा। ने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई बड़े नेताओं को, देखिए मेरा सीधा आपसे कहना है, इसमें आप हुडा साहब का नाम ले रहे, शैलजा जी का नाम ले रहे, तो ये बड़े नेताओं से ना तो इस चीज को कोई पता है, इलेक्शन का माहौल है, उन नेताओं का, हमारे बड़े नेताओं का चलिए चल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश रोड जी, बालमुकुंद शर्मा जी, आप सभी का इस चर्चा के लिए।